चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ द पैटर्न एट अ प्लेस इज 40.6 डिग्री एंड द इंटेंसिटी ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस. द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस. ठीक है, तो ये देखो, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VH, ये BV, VH की वैल्यू होती है बी कॉस थीटा, BV की वैल्यू बी साइन थीटा. अब थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप की वैल्यू दी है 40.6 डिग्री. ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट BV इज इक्वल टू बी साइन थीटा होगा. अब आपको इंटेंसिटी निकालना है, इसको आई, बी को आई से डिनोट कर रहा है क्वेश्चन में. ठीक है, तो इसको BV इज इक्वल टू आई साइन थीटा भी बोल सकते हैं और इसको BH इज इक्वल टू आई कॉस थीटा बोल सकते हैं. तो आपको आई निकालना है तो BV बाई साइन थीटा होगा. अब इंटेंसिटी यानी अब आपको BV की वैल्यू कितनी दी हुई है, V की वैल्यू BV या V कहो, इसको V कह रहा है, इसको बी वी कह रहा है. तो V बाई साइन थीटा, I इज इक्वल टू V की वैल्यू 6 × 10⁻⁵ टेस्ला डिवाइडेड बाई साइन थीटा. साइन 40.6 है ना, 40.6 डिग्री. इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, टेबल में चेक कर लो, साइन के टेबल में. साइन 40.6 की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू होती है 0.65 होती है. तो ये यहाँ रख देते हैं, 6 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 0.65. अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा इसमें आंसर. चलो उसको देख लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 0.65 आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 0.65 9.2 × 10⁻⁵. 9.2 × 10⁻⁵ देखो 9.23 कर देते हैं, 23. कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला डी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, 9.2 × 10⁻⁵. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.